अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मुसलमान अपनी सफ़ों में इत्तेहाद व इत्तेफाक को बरकरार रखें। रमजान मुबारक इबादतों का महीना, जलसे यौमुल कुरान से मस्जिद बिलाल टोली चौकी में सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। नायब वज़ीर आला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने महकमे अक़लियती बहबूद के ओहदेदारों के हमरा मुनाक़िद किया जायज़ इजलास। हुकूमती इमदाद मुस्तहक मुसलमानों तक पहुँचाने की दी हिदायत। हामला खातून और नौमौलूद की हॉस्पिटल अमले की लापरवाही से हुई मौत, रिश्तेदारों का हॉस्पिटल पर एहतजाज। अब खबरें तफसील से। सदर कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आमतुल मुस्लिमीन को तलखीन की है कि रमजानुल मुबारक की बरकतों और सादतों को हासिल करने के लिए इस माह की इबादतों में खुशू खुजू पैदा किया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मस्जिद बिलाल वाखिर टोली चौकी चौराहा पर जलसे यौमुल कुरान से बाद नमाज जुमा खिताब कर रहे थे। सदर मजलिस ने मुसलमानों से अपील की कि वह अपनी सफों में इत्तेहाद को बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में मुसलमानों के इत्तेहाद में रखना डालने की साजिशें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कुरान हदीस को मजबूती के साथ थामना होगा। इस जलसे से मोतमद अमूमी और मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी ने भी खिताब किया, जबकि मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहीउद्दीन, मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जो दलाइल उल आरिफीन में लिखे वो वाकया दारा गरीब नवाज लिखते हैं कि महमूद गजनवी का जब इंतकाल हो गया तो गरीब नवाज ने महमूद गजनवी को ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में है। गरीब नवाज ने उससे पूछा कि महमूद ये तुझे नेमत जन्नत कैसे मिली, तो महमूद गजनवी ने कहा कि एक दिन रात में मैं शिकार करने के लिए निकला, रास्ता भटक गया था तो किसी गरीब की झोपड़ी में पना लेना पड़ा। मैं जब झोपड़ी में सोने गया तो मैंने देखा कि मेरे पैर कुरान की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे ज़मीर ने मुझसे कहा कि मैं कुरान को हटा दूं। बाद में मुझे मेरे ज़मीर ने कहा कि तू अल्लाह के कलाम को क्यों हटाता है, तू खुद अपने आप को हटा ले। तो मैंने वहाँ पर बैठ कर रात भर कुरान की तलावत की। और महमूद गजनवी ने कहा कि मैंने अपने दौरे सल्तनत में कई रातें काम की आवाम के लिए, नेक काम किए, फलाह बहबूद के काम किए, वो तमाम एक तरफ है। उस एक रात को मैंने जो कुरान की ताजीम की और कुरान की तिलावत की उसी की बिना पर अल्लाह ने मुझे नफ़त अता कर तन किलोमीटर के फासले पर, बल्कि किलोमीटर से भी करीब किले गोलकुंडा है, किले गोलकुंडा औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह पता नहीं कर पा रहे थे। एक रात ऐसी भी आई कि तूफानी रात थी, सबके खैमे हवा से उड़ गए। औरंगजेब क्या देखता है कि उसका खैमा उड़ गया हवा से, मगर एक खैमा है जिसमें टिमटिमाता हुआ चिराग है और अल्लाह के दो वली हैं जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं। औरंगजेब साहिब दिल आदमी था, वो दौड़ा उनके पास और जाकर उनसे कहा कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, तूफान है हवा है मगर आपका चिराग जल रहा है और आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आप अल्लाह की बारगाह में मेरी कामयाबी के लिए दुआ करिए। उन अल्लाह के नेक बंदों ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कामयाबी के लिए दुआएं की। वो कौन थे जिनको आप और हजरत यूसुफैन के नाम से जानते, वो अल्लाह के नेक बंदे थे, वली थे। उन्होंने दुआ की, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया। मेरे भाई हम सरजमीन दखन पर बसते हैं,
हम इन शहंशाहों के रूहानी रियासत के रियाया हूं। आज बहुत से लोग बहुत सी कोशिशें करते हैं कि हमारे इतिहाद को कमजोर कर दिया जाए, मगर मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जो शैतानी ताकतें जो कोशिशें कर रही हैं, अल्लाह सुभाना व ताला उनको नाकाम करेगा, अल्लाह सुभाना व ताला उनको शिकस्त देगा। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हदीस शरीफ में आया कि जो हाफिज कुरान होगा, हाँ जो हाफिज कुरान होगा हशर के मैदान में उनके माँ बाप को खड़ा किया जाएगा। आप अंदाजा लगाइए कि पूरी इंसानियत खड़ी है। आज दुनिया की 24% आबादी मुसलमानों की है, 24% आबादी। अगर हशर का मैदान होगा इंशाअल्लाह तमाम मुसलमान खड़े होंगे, असदुद्दीन ओवैसी गुनाहगार भी होगा, सबका हिसाब किताब होगा, हुक्म होगा कि इन हुफाज कुरान के माँ बाप खड़े हो जाओ। हुफाज कुरान के माँ बाप खड़े हो जाएंगे, हजरत आदम से लेकर नबी आखिर जमान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे लोग होंगे, और उन तमाम के सामने अल्लाह सुबहाना व ताला क्या करेगा, अल्लाह सुबहाना व ताला हुक्म देगा कि हाफिज कुरान के माँ बाप के सरों पर ताज को रखा जाए, हाफिज कुरान के माँ बाप के सरों पर ताज रखा जाए। मेरे भाई, एक सियासतदान के लिए अगर एक 10-15 हजार या 5 हजार लोगों के सामने अगर कोई हम उनको फूल का हार पहनाता है तो हम समझते हैं अरे हमारी बड़ी इज्जत हुई, मगर सोचो उस वक्त पूरी इंसानियत के सामने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उन तमाम के सामने हाफिज कुरान के माँ बाप को खड़ा किया जाएगा और उनके सरों पर ताज रखा जाएगा। दुनिया में अगर किसी बादशाह की बादशाहत खत्म हो जाती तो उसके महल में सबको आने की इजाज़त नहीं होती, सिर्फ मखसूस लोगों को बुलाया जाता और उनके सामने किसी एक उसके वलीयत के सर पर ताज रखा जाता। मगर यहाँ पर क्या मामला है कि पूरी इंसानियत के सामने उन माँ बाप के सर पर ताज रखा जा रहा है। तुम्हारे रोज़ों की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। हदीस शरीफ में आया कि जो लोग झूठ बोलकर सच्चाई की तरफ आ जाते हैं अल्लाह जन्नत के नहर पर उनके लिए महल तामीर कर देता है। जो लोग झूठ बोलते हैं आम दिनों में फरिश्ते उनसे 1 मील दूर हो जाते हैं, फरिश्ते उनसे 1 मील दूर हो जाते हैं। अभी खुतबे में इमाम साहब ने उस कुरान की आयात का जिक्र किया जिसमें अल्लाह सूरह अहज़ाब में फरमा रहा है कि ईमान वालों सच बोलो, सच बोलो ताकि अल्लाह तुमको परहेजगार बना दे, तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश कर दे। और वही लोग कामयाब होते हैं जो अल्लाह के बतलाए रास्ते पर चलते हैं। मुसलमान और झूठ, आप समझ रहे होंगे अरे सियासतदान खड़े होकर झूठ की बात कह रहा है, ये खुद सबसे बड़ा झूठा है। नहीं मेरे भाई, मैं सच्चाई बयान करने की पूरी कोशिश करता हूं और शायद इसीलिए लोग मुझ पर ताने मारते हैं, शायद इसीलिए लोग मेरे अकराज व मकासद को मेरे फैसलों पर तनकीद करते हैं, मगर अल्लाह बेहतर जानता है कि यही सच्चाई की वजह से सऊद्दीन ओवैसी ऐसे कमजोर आदमी को वक्त के फिरौन और नमरूद के सामने खड़े होकर हक को बयान करने का अल्लाह मौका देता है। ये मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, मेरा उसमें अल्लाह का करम। मेरे भाई सच बयान करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत का ऐलान किए और जब पहले दिन मक्के की वादियों में खड़े होकर कहा कि मक्के वालों सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ के पीछे से हमला होने वाला है तो क्या तुम मेरी बात को यकीन नहीं करोगे, तो सब मुश्रिकीन ने कहा कि हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सच्चे हैं, आप कभी झूठ नहीं बोले, आप सच्चे हैं, आप कभी झूठ नहीं बोले, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलाम, ये हमारे लिए तुर्रे इम्तियाज है कि हम आखा की उम्मती हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अबू सुफियान कैसर रोम के दरबार में है और रोम का बादशाह अबू सुफियान से पूछता है जा आपने उस वक्त तक इस्लाम को कबूल नहीं किया था,
कि बताओ कि जो शख्स नबूवत का दावा करता है क्या वो झूठ बोलता है। तो अबू सुफियान ने कहा कि नहीं नहीं, वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो सादिक और अमीन है। उल्के बहुत हैं, बहुत से लोग कोशिशें कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मेरे भाई याद रखो, इस्लाम की तारीख अगर आप पढ़ेंगे तो आज जो लोग हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म करने की कोशिश कर रहे हैं, गोश्त के नाम पर हमको मार रहे हैं, हमारी जानें ले रहे हैं, हमारे बच्चों को यतीम कर रहे हैं, हमारी बहनों को बेवा कर रहे हैं, पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं। झारखंड में एक शख्स बेचारा इफ्तारी के लिए गोश्त खरीद कर लेकर जा रहा है अपने घर को, तो ये नाम निहाद गौ रक्षक नहीं, गौ टेररिस्ट हैं लोग, गौ रक्षक के नाम पर टेररिज्म कर रहे हैं ये लोग। उसको रोक कर मारते हैं, बोलते हैं तू गोश्त बीफ का लेकर जा रहा। वो बोलता अरे भाई मेरे घर में इफ्तार की दावत करने आए, इसीलिए गोश्त लेकर जा रहा हूं, मारा गया पीटा गया। मेरे भाई आज डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम उम्मती हैं, और मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि जो लोग मक्का से हबशा की तरफ गए थे, हबशा की तरफ गए थे तो वहां पर भी मुशरिकीन पहुंच गए तकलीफ देने के लिए। तो वहां पर हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हों ने बादशाह के दरबार में खड़े होकर एक बात कही थी। बादशाह ने मुसलमानों को बुलाया था कि आपके खिलाफ शिकायत आई है मुशरिकीन मक्का की जानिब से। तो हजरत जाफर तैयार ने बादशाह के दरबार में उठकर कहा था, आज जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे अल्फाज जब पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि आज भी वही जमाना है। हजरत जाफर तैयार ने कहा कि बादशाह हम पर जुल्म सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि हमने बुतों की पूजा को छोड़ दिया। हम पर जुल्म सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि हमने सच्चाई को अपनाया। हम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा था कि हम पत्थर के और लकड़ी के बनाए बुतों की पूजा को छोड़ दिए। हम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा था कि हम सच बोलना शुरू कर दिए। हम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा था कि हम यतीमों पर रहम कर रहे थे। हम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा था कि हम नेक औरतों पर तोहमत नहीं लगाते थे। हम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा था कि हम बेवाओं का ख्याल रखते थे। और ये सब इसलिए किए क्योंकि अल्लाह ने हमारे दरमियान में एक नबी को मबूस फरमाया जिसने हमसे कहा कि सच बोलो, बुत परस्ती को छोड़ो, अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ो, जकात दो, सदका दो। इसीलिए जमाना हम पर जुल्म कर रहा है और ये लोग यही चाहते हैं कि हम अपने दीन को छोड़ दें। जो दीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है उसको छोड़ दें, हम दोबारा गुनाहों की जिंदगी को अख्तियार कर लें। हमारे नबी ने हमसे कहा कि हराम है तो हमने कहा हराम है, हमारे नबी ने कहा यह हलाल है तो हमने उसको एक्सेप्ट किया। आज ये लोग चाहते हैं कि हम हराम को एक्सेप्ट कर लें और हलाल को छोड़ दें। तो फिर बादशाह हबशा के बादशाह ने कहा कि तुम्हारे नबी पर जो कुरान की आखिर किताब नाजिल हुई उसकी आयात पढ़कर सुनाओ। जाफर तैयार ने सूरह मरियम की आयात की तिलावत की। जाफर तैयार ने कही थी, हजरत ईसा ने हमको खुशखबरी दी थी कि नबी आखिर जमा है, और कहता है कि ऐलान करता है कि मैं हक पर, आज बता दो दुनिया को कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर ईमान लाता हूं। मेरे भाई मुसलमान नौजवानों के दिलों में ये बात पैदा होती है, फितरी चीज है कि जब वो नजारों को देखते हैं कि हमको मारा जा रहा है, ये गौ रक्षक हमको मार रहे हैं, हमको पीट रहे हैं, हमारी जानें चले जा रही हैं, नौजवानों मायूसी को अपने करीब आने मत दो। नौजवानों मायूसी कुफर है, याद रखो। तुम मायूस होकर डर कर अपने घर में नहीं बैठ जाना, तुम मायूस होकर कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, बल्कि तुम पुरुम्मीद रहो, अपने हौसलों को बुलंद रखो, और याद रखो कि जो हाथ आज हमारे गर्दनों को दबा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला तुम और हम देखेंगे, वही हाथ उठाकर कहेंगे अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह इंशाअल्लाह, वो दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह ताला। नौजवानों हमको बुजदिली को करीब आने नहीं देना है, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हम खौफ को अपने करीब आने नहीं देंगे।
हम मायूसी को अपने करीब आने नहीं देंगे। नौजवानों, नाउम्मीदी कुफर है। याद रखो, अल्लाह कुरान में फरमाता है, ला तखनतु मिन रहमतुल्लाह, कि मेरी रहमत से मायूस मत हो। हम अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं है। जो जमाना हमको आजमाने की कोशिश कर रहा है, याद रखो अल्लाह की राह में हमने अपनी जानों को कटा दिया, अपनी गर्दनों को कटा दिया, मगर हमने जालिमों के आगे अपने सर को नहीं झुकाया। हम अपना जालिमों के आगे ना सर को झुकाएंगे, ना जालिमों के जुल्म से नौजवान अपने आप में एक मायूसी को पैदा करेगा, बल्कि अजम और हौसले के साथ इन जालिमों से पंजा आजमाई करेगा, मुकाबला करेगा, अपने हक के लिए लड़ेगा। हिंदुस्तान एक जमहूरियत है, और जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती है कि हम अपने मजहब पर चलें, हम अपने हक के लिए लड़ें, हम इंसान की तरह जिंदगी गुजारें। हम हिंदुस्तान में मुसलमान हैं और मुसलमान बनकर रहेंगे। हम हिंदुस्तान में मुसलमान हैं और इंशाअल्लाह मुसलमान बनकर अपनी कब्रों में जाएंगे। हम जालिमों के जुल्म का मुकाबला करेंगे, जमहूरी अंदाज में करेंगे। इनके जुल्म से हम घबराने वाले नहीं। तारीख इस्लाम गवाह है मेरे भाई, तारीख इस्लाम गवाह है। तलवार लेकर निकले थे, जब कुरान को पढ़े तो आंख से आंसू रवा दवा हो गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर पहुंचती है कि उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु हाथ में तलवार लेकर आ रहे हैं, तो हजरत हमजा कहते हैं, फरमाती हैं कि अगर नेक इरादे से आए तो ठीक है, वरना फिर कुछ और होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ निगाह करके पूछते हैं, बताओ उमर कैसे आना हुआ? तो फारूक आजम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर आपके हाथ पर ईमान लाने के लिए आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त वो अपनी बहन से गुफ्तगू गरम गुफ्तगू कर रहे थे, उलमा ने लिखा कि उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर रहे थे कि अल्लाह दो उम्र में से एक को इस्लाम की दौलत से मुशरफ कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान लाते हैं, और किसी ने क्या खूब फरमाया कि निगाह नबी में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। किसी ने क्या खूब फरमाया कि हजरत फारूक आजम को तौहीद का वो शराब पिलाई गई, दुनिया की कोई चीज उसको उस नशे को नहीं उतार सकती। कि किसी शायर ने बड़ा खूब इसको बयान किया कि तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद के मैं प्यालों से नहीं नजरों से। और इंशाअल्लाह ताला हम मुकाबला करेंगे। हो सकता है कि इस राह में असदुद्दीन ओवैसी की जान चले जाए, तो तुमको अल्लाह का वास्ता, तुम अपनी आंख में आंसू नहीं लाओगे, बल्कि तुम अपने हक के लिए लड़ते रहोगे। ये दुनिया, ये जालिम लोग ये समझ रहे हैं कि हमको मार कर, हमको पीट कर, हम जाने लेकर ये समझ रहे हैं कि हमको खौफ पैदा किया जाएगा। अरे जालिमों, तुम हमारी तारीफ को नहीं जानते। हम मक्के के नज़ारों को जानते हैं कि जब हमारे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरूज की उजड़ी डाली जाती थी, हमारे नजरों में वो ताइफ के नज़ारे भी हैं कि खून में अपने आप को गुसल करना पड़ा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हम आज भी जानते हैं कि हद के मैदान में मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक को शहीद होना पड़ा। हम आज भी जानते हैं कि हजरत हमजा के कलेजे को चबाया गया। अरे हमारी तारीख बड़ी पड़ी हुई है, तुम्हारे जुल्म से तुम हमारे सीलिए खड़ा करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। हम यहाँ पर किराएदार बनकर नहीं रहेंगे, हम अपना हक हासिल करके रहेंगे, हम अपने मस्जिदों को आबाद करके रहेंगे, हम अपनी शरीयत पर चलेंगे। दुनिया की कोई ताकत या कानून हमारी शरीयत को हमसे नहीं छीन सकती, नहीं छीन सकती। अदलिया का फैसला हमारी शरीयत को खत्म नहीं कर सकता। अरे हमारी फितरत में शरीयत है, हमारी सोच और फिक्र में कुरान और सुन्नत है, ये तुम हमसे छीन नहीं सकते। यही तो दौलत हमारे पास है। क्या है तुम्हारे पास और मेरे पास? यही तो चीज है।
नायब वज़ीर-ए-आला मोहम्मद महमूद अली ने सेक्रेटरीट में महकूमी अखिलियती बहबूद के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास का इनेखाद अमल में लाते हुए वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दी जाने वाली दावत इफ्तार और रियासत के गरीब मुसलमानों को हुकूमत की जानिब से तकसीम किए जाने वाले मलबूसात की तकसीम के लिए तमाम इंतजामात का जायजा लिया। नायब वज़ीर-ए-आला मोहम्मद महमूद अली ने सेक्रेटरीट में महकूमे अखिलियती बहबूद के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनाकिब किया। इस मौके पर उन्होंने 18 जून को वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दी जाने वाली दावत इफ्तार के इंतजामात और शहर में गरीब मुसलमानों को हुकूमत की जानिब से तकसीम किए जाने वाले मलबूसात की तकसीम के इंतजामात का जायजा भी लिया और अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। वाज़ेह है कि जारिया साल वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दी जाने वाली दावत इफ्तार का फतेह मैदान में इनेकाद अमल में आएगा और इसी दिन शहर की 100 मसाजिद में भी हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार का इंतजाम भी किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट पी गोवर्धन रेड्डी चल बसे हैं। खल पर हमले की वजह से पी गोवर्धन रेड्डी की मौत वाकई हुई। कुल्लू मनाली में गोवर्धन रेड्डी के खल पर हमला हुआ जहां वो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए गए हुए थे। गाड़ी में ही खल पर हुए हमले के बाद उन्हें शिमला के दवाखाने में शरीक कर दिया गया जहां डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। गोवर्धन रेड्डी की नाश खसूसी तैयारी के जरिए हैदराबाद मुंतकिल की गई है। साल 2012 से पी गोवर्धन रेड्डी राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए थे। इससे पहले वो 5 बार रुकन असेंबली और 1 बार रुकन कौंसल भी रह चुके थे। रियासती वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस कायद व रुकन राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी की अचानक मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गोवर्धन रेड्डी की मौत तेलंगाना आवाम का बड़ा नुकसान है क्योंकि वो रियासत तेलंगाना की जद्दोजहद में हमेशा सरगर्म रहे। वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेसी कायद व रुकन राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी की अचानक मौत पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि गोवर्धन रेड्डी की मौत तेलंगाना आवाम के लिए बड़ा नुकसान है क्योंकि वो रियासत तेलंगाना की जिद्दोजहद में हमेशा सरगर्म रहा करते थे और पार्लियामेंट में भी उन्होंने काफी जिद्दोजहद की। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी एसपी सिंह को इस बात की हिदायत दी कि वो पी गोवर्धन रेड्डी की लाश हैदराबाद लाने के लिए फौरी तौर पर खसूसी इकदाम करें। अगर जरूरत पड़े तो उनकी लाश को खसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए हैदराबाद लाया जाए। टीआरएस अराकीन राज्यसभा के केशव राव और डी श्रीनिवास ने पी गोवर्धन रेड्डी की खयामगा पहुंचकर उनके अराकीन खानदान से मुलाकात करते हुए इजहार ताजियत किया। बाद अजां केशव राव ने कहा कि उन्होंने अपने बचपन के साथी को खो दिया है। गोवर्धन रेड्डी जुरतमंदाना कायद थे। उन्होंने अपनी जिंदगी तेलंगाना की आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए वक्फ कर दी थी। टीआरएस अराकीन राज्यसभा के केशव राव और डी श्रीनिवास ने कांग्रेस रुकन राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी की खयामगा पहुंचकर उनकी मौत पर उनके अराकीन खानदान से मुलाकात करते हुए इजहार ताजियत किया। बाद अज़ां केशव राव ने बताया कि उन्होंने अपने बचपन के साथी को और रियासत की आवाम ने एक जरूरतमंद कायद को खो दिया है क्योंकि गोवर्धन रेड्डी ने अपनी जिंदगी तेलंगाना आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए वक्फ कर दी थी। रुकन राज्यसभा डी श्रीनिवास ने पी गोवर्धन रेड्डी की खिदमात को जबरदस्त खिराज पेश किया। रमज़ान मुबारक के महीने में कई तंजीमों की जानिब से रमज़ान राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई जाती है। सिलसिले के तहत दक्कन एनआरआई ग्रुप की जानिब से रमज़ान राशन पैक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। चेयरमैन दक्कन एनआरआई ग्रुप इंजीनियर सैयद खदीर खालिद ने सईदाबाद में मुस्तहक गरीब खानदानों में रमज़ान राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल मुख्तदिर व दीगर भी मौजूद थे। रमज़ान राशन पैक्स में 25 किलो चावल, 10 किलो आटा व दीगर
अशिया जरूरियां मौजूद थी। इंजीनियर सैयद खदीर खालिद ने बताया कि दक्कन एनआरआई ग्रुप के तमाम अराकीन ने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया है और जारिया साल तकरीबन 300 पैक्स तकसीम किए गए हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने सीनियर कांग्रेस कायद रुकने राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी की अचानक मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक सीनियर कायद से महरूम हो गई। उन्होंने कहा कि गोवर्धन रेड्डी हमेशा पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए उन्हें काफी मुफीद मशवरे दिया करते थे और रियासत की तश्कील के लिए उन्होंने हर तहरीक में हिस्सा लिया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने सीनियर कांग्रेसी कायद व रुकन राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी की अचानक मौत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी एक सीनियर कायद से महरूम हो गई है। उन्होंने बताया कि पी गोवर्धन रेड्डी हमेशा पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए उन्हें काफी मुफीद मशवरे दिया करते थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि गोवर्धन रेड्डी ने रियासत तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक चलाई जाने वाली हर तहरीक में हिस्सा लिया और रियासत की तश्कील के बाद भी टीआरएस हुकूमत की जानिब से तेलंगाना आवाम के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते रहे। उन्होंने पी गोवर्धन रेड्डी के अफराद खानदान से इजहार ताजियत किया। क्रिकेट बैटिंग में हुए नुकसान से दिल बर्दाश्ता होकर एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक पेट बशीराबाद के बापूजी नगर का साकिन घनश्याम किराने की दुकान चलाया करता था, लेकिन वो क्रिकेट बैटिंग की लत में मुब्तला था। बैटिंग के लिए उसने अपनी बीवी के 29 तोले के तिलाई जेवरात भी बेच डाले थे। घनश्याम ने एक खुदकुशी नोट भी छोड़ा है जिसमें उसने अपने माँ बाप से मुआफी मांगी है। बताया गया है कि घर में जब कोई नहीं था तब घनश्याम ने यह इंतहाई इकदाम किया। पुलिस घनश्याम के फोन कॉल्स के जरिए बैटिंग लेने वालों का पता चलाने की कोशिश कर रही है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। पुलिस कांस्टेबल की जानिब से मोहब्बत का ढोंग रचाते हुए धोखा देने के बाद एक दलित खातून दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक आर्म्स रिजर्व कांस्टेबल नरसिमा ने श्यामला नामी खातून को शादी का झांसा देते हुए अपने दामे उल्फत में फांसा था, लेकिन बाद अज़ां वो इससे मुंह मोड़ गया। श्यामला ने दिल बर्दाश्ता होकर अपने जिस्म पर केरोसिन डालकर आग लगा ली और खुदकुशी कर ली। 5 जून को पेश आई इस वाक़े पर एहतजाज करने की गर्ज से मुतौफी खातून के रिश्तेदारों ने ACP दफ्तर इब्राहिम पट्टनम के रूबरू धरना मुनज़िम किया और खाती कांस्टेबल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मीरपेट पुलिस एक ऐसे सारिख की तलाश में है जिसने कांस्टेबल पर ब्लेड से हमला करते हुए राह फरार इख्तियार की। तफसीलात के मुताबिक सारिख सलमान, जो तकरीबन 5 सरखे की वारदातों में मुलविस बताया गया है, उसने मीरपेट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस कांस्टेबल रमेश पर ब्लेड से हमला किया और मौका पाते ही राह फरार इख्तियार की। मीरपेट पुलिस का कांस्टेबल रमेश ऑटो चोरी केस में सलमान को हिरासत में लेने के लिए पहुंचा था कि मस्कुरा वाकया पेश आया। मेरचल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और तिबी अमले की लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुतौफी खातून के रिश्तेदारों ने एहतजाज दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक 23 साल हसीना बेगर और उनका नौमौलूद दौरान इलाज दवाखाने में ही फौत हो गए। इतला मिलते ही खातून के रिश्तेदारों ने मेरचल गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचकर इस वाक़े के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़िम किया और डॉक्टर्स व तिबी अमले को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। मुतल्लिका पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और मसरूफ़ तहकीकात है।
पद्मा राव नगर के इलाके में लावारिस बैग की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। मुकामी अफराद ने बैग पर शुबा जाहिर करते हुए पुलिस को इत्तला दी, जबकि बम स्क्वाड ने जब मुकामी वाक़े पर पहुंचकर बैग का मुशाहिदा किया तो उससे सालगिरह केक पर लगाई जाने वाली मोमबत्ती और दीगर सामान दस्तियाब हुआ। हैदराबाद के आईटी कॉरिडोर को मुमकिना ख़तरे के बारे में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलर्ट जारी किया है। आईबी की इतला के बाद हाईटेक सिटी और माधवपुर के इलाकों में पुलिस ने चौकसी अख्तियार कर ली। माधवपुर के शॉपिंग मॉल्स को भी खतरे की फहरिस्त में शामिल किया गया है। हैदराबाद के 3 पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में पुलिस ने चौकसी अख्तियार की है और आज सुबह से कई मुकाम पर तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। बम स्क्वाड के अलावा डॉग स्क्वाड को भी चौकस देखा गया, जबकि शहर के दीगर शॉपिंग मॉल्स में भी चौकसी इख्तियार की जा रही है। हैदराबाद को सरबराह किए जाने वाले मांजरा पानी की पाइपलाइन संगारेड्डी में फट पड़ी। बताया गया है कि पाइपलाइन के फटने से सड़क पर पानी का तेज बहाव देखा गया और इस वाक़े की हकाम को इत्तला दे दी गई है। पानी के बहाव से सड़कों पर भी काफ़ी पानी जमा देखा गया। फौरी तौर पर मरम्मती कामों का आवाम ने मुतालबा किया है ताकि पानी के बहाव को मज़ीद फैलने से रोका जा सके। शहर हैदराबाद में आज दोपहर 3 बजे शदीद बारिश हुई और तकरीबन आधे घंटे तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। पूरे शहर में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा देखा गया। बारिश की वजह से ट्रैफिक की आमद रफ्त मुतासिर हुई और कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम भी नजर आई। GHMC एमरजेंसी अमला इत्तला मिलते ही मुतहरिक देखा गया और मुख्तलिफ मुकामात पर पानी जमा होने की इत्तलात मौसूल होने पर अहदेदारों ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर पानी की निकासी अमल में लाई। माह रमज़ान मुबारक में मुख्तलिफ मुकामात पर और मुख्तलिफ सरकारी अहदेदारों की जानिब से भी दावत इफ्तार का अहतमाम किया जाता है। इस सिलसिले के तहत कमिश्नर पुलिस हैदराबाद महेंद्र रेड्डी की जानिब से चौमहल्ला पैलेस वाक़े खिलवत मुबारक में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में महकमे पुलिस के आला अहदेदारान, सियासी जमातों के कायदीन, अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया, मजहबी पेशवा, उलमाए किराम, मशायख निज़ाम के अलावा कारकुनों और पीस कमेटी के अराकीन ने शिरकत की। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी, DCP साउथ जोन वी सत्यनारायणा ने मेहमानों शुरका का खैर मकदम किया, जबकि एडिशनल DCP के बाबूराव ने इंतजामात की निगरानी की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुसलमान अपनी सफ़ों में इत्तेहाद व इत्तेफाक को बरकरार रखें। रमजान मुबारक इबादतों का महीना जलसे यौमुल कुरान से मस्जिद बिलाल टोली चौकी में सदर मजलिस रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। नायब वज़ीर आला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने महकमे अक़लियती बहबूद के अहदेदारों के हमरा मुनाक़िद किया जायज़े इजलास। हुकूमती इमदाद मुस्तहक मुसलमानों तक पहुँचाने की दी हिदायत। हामला खातून और नौमौलूद की हॉस्पिटल अमले की लापरवाही से हुई मौत, रिश्तेदारों का हॉस्पिटल पर एहतजाज।
नाज़रीन रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यह इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।